दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करेंगे पेरेंटिंग पर, वह पेरेंटिंग जिसके दम पर निर्माण होता है परिवार में चरित्रवान, अच्छे और ज्ञानवान बच्चों का। ये पेरेंटिंग का इतना महत्व है, जितना कि बताते हैं कि एक मकान को जब हम बनाते हैं तो उसकी नींव रखते समय, आधारशिला रखते समय लोग ध्यान रखते हैं कि मकान जरूर भव्य बन रहा है, लाखों करोड़ों रुपया खर्च हो रहा है, लेकिन अगर उसकी नींव मजबूत ना हो, कायदे से ना रखी जाए, तो शायद वो मकान भी भरभराकर कुछ ही सालों में गिर जाएगा। ऐसी परिकल्पना सामने रखते हुए हमने बात की है अजय प्रतिमा अस्पताल के एमडी और शहर के नामचीन वरिष्ठ बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अजय गुप्ता से कि क्या बोलते हैं डॉक्टर अजय गुप्ता पेरेंटिंग के महत्व पर, यानी माता पिता की क्या जिम्मेदारी है बच्चों के प्रति, खासतौर से नौनिहालों के प्रति। उन्हें कैसा खान पान दें, कैसा उन्हें हैंडल करें कि वो अच्छे बच्चे बनके समाज के लिए उपयोगी नागरिक साबित हो। सुनिए डॉक्टर अजय गुप्ता। सर, मैं डॉक्टर अजय गुप्ता, अजय प्रतिमा अस्पताल, पेरेंटिंग के बारे में बताना चाहता हूँ। पेरेंटिंग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। पेरेंटिंग बहुत ही हमको बहुत गंभीरता से लेना चाहिए। अगर पेरेंटिंग जो है ठीक होगी तो हमारा आने वाला भविष्य बहुत सुंदर होगा, और जो हमारे जो कल की जो परेशानियाँ हैं, जो भविष्य की परेशानियाँ हैं, वो सब दूर हो जाएंगी, एक सुंदर भारत बनेगा। पेंटिंग में कई तरह की पेंटिंग होती है, और जैसे एक अथॉरिटेरियन टाइप की पेंटिंग होती है, उसमें जो है माता पिता बच्चे को केवल ऑर्डर देते हैं, बच्चे को वही करना होता है जो माता पिता कहते हैं। तो इस वाले पेंटिंग में जो है बच्चे का समुचित विकास नहीं हो पाता, हालांकि वो स्कूल वगैरह में अच्छा कर लेता है, लेकिन जो उसको अंदर से जो है उसमें कॉन्फिडेंस नहीं होता है। ऐसा पेरेंट्स, ऐसे जो बच्चे होते हैं वो सोशली भी जो है अच्छी तरह से नहीं मिल पाते हैं। दूसरी टाइप की पेरेंटिंग होती है अथॉरिटेटिव या असर्टिव टाइप ऑफ पेरेंटिंग। उसमें जो है माता पिता बच्चे के साथ डिस्कस करते हैं, और जो उसकी इच्छा होती है उसका भी ध्यान रखते हैं, उसके हिसाब से बच्चे को सलाह देते हैं। ये वाली पेंटिंग सबसे अच्छी होती है, इससे बच्चे का विकास बहुत अच्छा होता है, और बच्चा जो है सोशली भी और फैमिली में भी जो है अच्छी तरह से एडजस्ट हो जाता है, तथा समाज के लिए बहुत उपयोगी होता है। तीसरी टाइप की पेंटिंग होती है जिसको कि हम परमिसिव, उसमें जो है माता पिता बच्चे को जो चाहता है वो करने देते हैं। हालांकि तो इसको ये पेंटिंग जो है अच्छी तरह की नहीं है, इससे बच्चे का विकास अच्छी तरह से नहीं हो पाता है, बच्चा नेग्लेक्टेड होता है। ऐसे पेरेंट्स जो है बच्चे के स्कूल वगैरह में भी नहीं जाते हैं। और पेंटिंग अगर अच्छी हो तो बच्चा जो है बहुत ही समाज में विकास करता है, अपने उसका आंतरिक रूप से भी विकास होता है। पेंटिंग का जो क्या प्रभाव पड़ता है उसका मैं एक उदाहरण देकर बताना चाहूँगा। जैसे एक डाकू सुल्ताना की कहानी आपने पढ़ी होगी, उसमें जो है डाकू सुल्ताना जो जब बच्चा था तो वो कहीं से जो है कोई सामान लेके आया, तो माँ ने जो है उसको ना उसको जो है चोरी करके लाया था, माँ ने उससे उसमें कुछ नहीं कहा, वह सामान को रख लिया। यही जो उसके संस्कार पड़े वो धीरे धीरे वो जो है डाकू में परिवर्तित हो गया। जब वो उसको फांसी की सजा हुई तो जज ने पूछा इसके लिए आप किसको जिम्मेवार बन समझते हैं, तो उसने कहा कि ये मेरी माँ के कारण हुआ है, मेरी माँ ने अगर उस समय मुझे जो है डांटा होता तथा मुझे जो है प्रताड़ित किया होता तो शायद मैं आज एक अच्छा नागरिक बन जाता। इसी तरह से जो है अगर पेंटिंग जो है अच्छी नहीं होती है तो कभी कभी माँ पिता जो है अपने कैरियर के चक्कर में जो बच्चे को जो है छोड़ देते हैं, वो अपने प्रोफेशनल कैरियर पर ज़्यादा ध्यान देते हैं तथा बच्चे को जो है वो बिल्कुल ध्यान नहीं देते।
जैसे कि अभी कुछ ही दिनों पहले एक किस्सा आया है पेपर में, जिसमें कि एक माता ने अपने बच्चे को 2 साल की अवस्था में छोड़ दिया तथा वो अपने जो है एटिक के लिए बच्चे को भी त्याग कर दिया था। अब बच्चे ने उसको माँ के खिलाफ जो केस किया है। तो इस तरह से जो है पेरेंटिंग का जो है बहुत ही बच्चे के विकास में जो है बहुत ज़रूरत होती है बच्चे को। इसके अलावा जो बच्चे को जो है कुछ स्पून फीडिंग नहीं करनी चाहिए। स्पून फीडिंग यदि बच्चे को होगी जिसमें कि जो है माता पिता उसको जो सब सहूलियतें देते हैं तथा उसके सब कामों को पूरा कर देते हैं, इसमें बच्चे का विकास अच्छा नहीं होता है तथा वो दूसरों के डिपेंडेंट ही रहता है। इसी तरह से जो है बच्चों को आजकल मोबाइल का जो है बहुत चस्का लग गया है, मोबाइल का भी बच्चों को जो है नहीं देना चाहिए तथा बच्चे को जो है अगर मोबाइल ज़्यादा काम में लेंगे तो बच्चे को बहुत ही सारी परेशानियाँ होंगी। मोबाइल एडिक्शन हो जाता है जिसमें बच्चा जो है अपने काम से भी विरक्त हो जाता है। इसी तरह से जो है बच्चे का डाइट का भी ध्यान रखना चाहिए। माता पिता को बच्चों की बहुत ज़्यादा केयर करनी चाहिए। अगर उनको कुछ ऐसा अजीब सा लगे बच्चे के व्यवहार में तो तुरंत ही जो है साइकोलॉजिस्ट और जो है पीडियाट्रिशियन को कंसल्ट करना चाहिए। हो सकता है कि बच्चे को कोई आतिशी की बीमारी हो या डिप्रेशन हो रहा हो। अगर जो है तो यदि समय रहते उन सब चीज़ों का निराकरण हो जाएगा तो बच्चा जो है अच्छा हो जाएगा। इन सबको ये सब छोटी छोटी बातें हैं लेकिन बच्चे के विकास में बहुत सहयोग करती हैं, बच्चे के विकास के लिए बहुत ज़रूरी है। मेरा जो अस्पताल अजय प्रथम अस्पताल है ये प्रेमनगर धर्मकांटे के पास स्थित है। यहाँ पर हर तरह की सुविधाएं हैं। यहाँ पर बच्चों से लेकर के बड़ों तक तथा गायनी सर्जरी सभी प्रकार की बहुत सुविधाएं हैं। मेरा अस्पताल जो है बहुत ही किफायती इलाज के लिए, बहुत ही अच्छे इलाज के लिए जाना जाता है। ISO और NABH और ISO सर्टिफाइड है तथा इस हमारे क्षेत्र में जो है इस अस्पताल का बहुत ही नाम है।